बढ़िया। कितना परफेक्ट रूम है, इन्हें पॉलिस भी आ रहा है, पब्लिक भी आ जा रही है और अपना टैग भी देख रहे हैं और हिल भी नहीं हुआ। अरे भाई अच्छी लगती है।
कहाँ से लाते हो इतना, क्या बोलते हो? लास्ट शॉट देखिए, अटैक देखने के बाद तो एक ही चीज़ बोलूंगा, जॉनी ब्राइम ने एक बॉक्स ऑफिस पे अटैक कर दिया है। सुपर मूवी है, हॉलीवुड लेवल की मूवी बनाई है। जो लक्ष्य राज आनंद डायरेक्टर है, उनका डेब्यू डायरेक्टर है ये। उन्होंने फर्स्ट टाइम और डायरेक्शन किया है, सुपर लग ही नहीं रहा कि ये फर्स्ट टाइम ये डायरेक्शन किया उन्होंने, सुपर है। जॉनी ब्राइम की बात की जाए तो उनका एक्शन सीन्स यार काफ़ी पसंद आएगी आप लोगों को। उन्होंने पिछले जो फिल्में दी हैं सत्यमेव जयते 2 और मुंबई सागा, मेरे को नहीं लगा था कि अब जॉनी ब्राइम कुछ ऐसी फिल्में देने वाली, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा यार जॉनी ब्राइम ऐसी फिल्में करनी चाहिए उनको।
रुकुल प्रीत, प्रकाश राज की काम अच्छा लगा मेरे को। जैकलिन का काम थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, बट कोई टेंशन नहीं है, उनका जो भी हुआ जितना भी अच्छा उन्होंने अच्छे ही किया, सुपर किया उन्होंने। अरे स्टोरी लाइन के अलावा कुछ और चीज़ जो आपको पसंद आई हो? स्टोरी लाइन तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर उसके अलावा की बात की जाए तो इस मूवी का जो एक्शन सीन्स है, बाइक स्टैंड एंड का, वो जो 15 मिनट लगातार बाइक चलाते हैं, वो सीन्स काफ़ी अच्छी है। बीच में कुछ इमोशनल सीन है जब वो लाचार हो जाते हैं, टेबल पर बैठे रहते हैं दिन भर, जो माँ बेटे का इमोशनल सीन्स दिखाया है वो देखने लायक है, मतलब कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। मतलब कि मूवी के अंदर हर चीज़ देखने को मिला, एक्शन, इमोशनल सॉन्ग्स, और बीजीएम सबसे आ रही बीजीएम जो बहुत लाजवाब है। अच्छा, अगर आपको इस मूवी को रेट करना है 5 स्टार में तो आप कितना रेट करेंगे? इस मूवी को मैं 3.5 करूँगा। ओवरऑल दिस मूवी इज़ बेस्ड फॉर द दिस आर्टिफिशियल कमांडोज हाइब्रिड वॉर्स के बारे में लिखा है, राइट नाउ दैट यूक्रेन और रशिया का, हाउ द हाइब्रिड वॉर्स आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड हाउ द वन आर्मी मैन कैन फाइट विद 1000 पीपल्स देयर। तो किस तरह से टेररिस्ट के साथ फाइट किया जॉन अब्राहम, इज द सुपर कमांडो, इंजर्ड होने के बाद भी लाइक हाउ ही कम बैक ऑन अ स्पाइनल कॉर्ड, किस तरीके से उसमें हमारे DRDOs है, हमारे रोबोटिक साइंटिस्ट है, किस तरह से उन लोग ने किस तरह इट्स टोटली बेस्ड ऑन 21st सेंचुरी, हाउ हाइब्रिड वॉर्स आर गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर्स। इसके ऊपर से मूवी बेस्ड है। नियर फ्यूचर और इज इट सम इमेजिनेशन व्हिच इज नो दिस इज नॉट इमेजिनेशन, यू कैन सी द स्टार वॉर्स, हाउ द स्टार वॉर्स इज देयर राइट नाउ, द स्टार वॉर्स, द अमेरिकन पीपल दे आर लाइक ट्राइंग टू डेवलप स्पाइक्स कैमरा, दिस हमारी तो लाइक जो इंटेलिजेंस है, हम तो यहाँ बैठे नॉर्मल सिविलियन के तौर पर, वहाँ क्या चलता होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट्स आर देयर, दीज आर मूविंग, दैट्स व्हाई वी आर सेफ हियर। So that movie, young generation, we should be knowing how this movie is being made. What our Indian armies are doing, what our generations are doing. इसमें किस तरीके से एक आर्मी बनने को तैयार किया, वन आर्मी मैन स्टैंड टू द 1000 पीपल हियर, तो सिक्योरिटी, हाउ द सिक्योरिटीज आर कंसर्न, जॉन अब्राहम ने पूरी अच्छी तरीके से डिलीवर किया। फर्स्ट हाफ में वो जाता है उड़ी में, जैसे मूवी में अटैक करते जैसे जाता है POK में जाके हमला करना, पूरी तरह से वो डिलीवर किया। फिर सेकेंड हाफ में आप पार्लियामेंट में जा रहे हो, अटैक करो, था आपके पास पूरी चारों तरफ से टेररिस्ट घिरे हुए, उसके बीच में जाके बंडा फाइट कर रहा है, अपने प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं बचा रहा, साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, सेफ्टी, द हॉस्टाइल है, सबको बचा रहा है। और एक लव केमिस्ट्री जो जिसमें दिखाया है जैकलिन फर्नांडिस का, हाउ द आर्मी मैन हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अ लव ऑल्सो, ये भी दिखाया है। और जैकलिन फर्नांडिस जो किस होने का जो सीन है, स्लिप होकर किस होना मिस्टेकली फ्लाइट के अंदर जो प्यार करने का अच्छी तरह से, इट्स वेरी गुड मूवी है। दिस मूवी मोस्टली जॉन अब्राहम, और ज़्यादा करके जॉन अब्राहम पे उन्हें फोकस है, एंड हैज़ अ लव स्टोरी जैकलिन फर्नांडिस, एंड इवन यू कैन नॉट इग्नोर द साइंटिस्ट देयर, शी इज़ रेनू सिंह, आई थिंक रेनू सिंह उनका नाम है, नकुल उनका नाम है, नकुल रकुल। सो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरह से डिलीवर द इंटेलिजेंस साइंटिस्ट, किस तरीके से एक हैंडीकैप बंदे को आर्मी को आप किस तरह से यू कैन मेक हिम टू वॉक, और जो उन पर एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर का रोल जो दबंग के जो विलन थे उनका मुझे नाम ध्यान में नहीं है, बट लाइक हाउ द आर्मी मैन आर वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन टू दिस एंड इट्स कम टू डिलीवर टू द एक्शन। ओके, अगर आप रेट करना चाहेंगे आउट ऑफ 5 स्टार, हाउ मच वुड यू? आउट ऑफ 5 आई गिव 4.73, जस्ट लाइक इट्स लाइक एवरीथिंग इज देयर इन द मूवी, यू कैन enjoy full on action movie, if you army man movie, up Indian army mein IAS officer discipline wise anything you want to join you can come and watch this movie, this movie will give you the best. Sir, aapko overall ye movie kaisa laga? Mujhe attack movie achhi lagi, but in bits and parts. Overall agar main dekhu to narrative thoda weak ho gaya. First half was very good, it started with romance and then action, but kahin na kahin storyline thodi weak ho gayi second half mein, but definitely action scenes are worth watching. Anything different that you find in this movie and the different movies that are made? VFX, I think VFX is John ने कहा भी था कि Hollywood level के हैं, it matches up to that level. तो VFX बहुत अच्छे हैं और some scenes are really stunning. But I enjoyed it in bits and parts. Overall, if I have to rate it, you know, because of the narrative, it falls flat. Apart from John Abraham, he is a superstar of course. But उनके अलावा अगर आप किसी भी स्टार को अगर परफॉर्मेंस वाइज अगर आप एड्रेस करना चाहेंगे तो किसका? मुझे जैकलिन का बहुत अच्छा फ्लो में रोल अच्छा लगता है, शी डज अ रोल क्वाइट एफर्टलेसली, शी इज़ वेरी क्लासी, शी हैज़ गॉट अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस, और रकुल प्रीत सिंह इज ऑल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस, सो उनका एक डॉक्टर का रोल है तो वो, और देन स्टार ऑफ द मूवीज जॉन, बिकॉज एक्शन, ही इज़ एन एक्शन हीरो एंड एक्शन सीन्स आर हिज फोर्टे, सो ही हैज़ डन फुल जस्टिस टू द मूवी, बट नैरेटिव वीक पर गया, स्टोरी भी उनकी है तो इट कुड हैव बीन बेटर। ओके,
आउट ऑफ 5 स्टार्स आप कितने स्टार्स इसको देंगे? जॉन को 4 स्टार्स बिकॉज़ ही हैज डन जस्टिस टू हिज रोल एंड ही हैज अ वेरी रिफ्रेशिंग लुक इवन एट दिस एज ही हैज मेंटेन्ड हिमसेल्फ सो वेल बट ओवरऑल मूवी को 2.5